Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं हवाई में हूँ, कल पहुँचा था, तो आज मैं आप सभी को मेरा दीदी से मिलाऊंगा। अभी मैं मेरे दीदी के घर में हूँ, तो ये रहा मेरा दीदी, हाय कर दो। हेलो। आज हम यहाँ से हुआ था, अभी हम थोड़ा हवाई एक्सप्लोर करके आएगा, तो आपको मैं हवाई का नज़ारा दिखाऊंगा अभी। तो अभी दीदी तो अकेला है, बच्चा दे गए तो हम अकेला जाना पड़ेगा, इसलिए अकेला एक्सप्लोर करके आता हूँ। तो जितना सकता है मैं आपको दिखाऊंगा हवाई का नज़ारा, तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ। गरम है, गरम। ओ बा बा बा। ये चार बुड्ढा है, ये देखिए, इसका मतलब है बुरा नहीं देखना है, और इसका मतलब है बुरा नहीं बोलना है, और इसका मतलब है बुरा नहीं सुनना है, और इसका मतलब है बुरा नहीं सोचना है। तो देखिए इतना क्यूटी क्यूटी, देखिए चार। सो फ्रेंड्स, हवाई में भी काफ़ी गर्म है, इसलिए गाड़ी लेके जा रहा हूँ जीजाजी का। ये जीजाजी मेरा जीजाजी खमती है, चांगलांग का है वो, और अभी हवाई में ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत दिन हो गया नहीं मिला, इसलिए मिलने आया था और हवाई में एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो साथ में कोई भी नहीं है, अकेला है हम, तो अकेला ही जाके आना पड़ेगा। तो ठीक है, बने रहे मेरे साथ वीडियो में आप सभी, तो मिलते हैं आगे फिर। सो जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप सभी मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे एक इंकरेजिंग मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं एक मोर वीडियो बना सकूं। और गाइस, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आप सभी को मैं आउट ऑफ स्टेट ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। इसलिए हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं हवाई का टॉप व्यू में हूँ, हवाई का टॉप व्यू है। ये देखिए मेरा पीछे यहाँ भी वो है हवाई, और ये हवाई का टॉप व्यू है, यहाँ से हवाई का पूरा व्यू दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर से। देखिए गेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस है, यानी कि यात्री निवास है। यहाँ पे जो भी ट्रेवलर्स आएगा आप यहाँ पे सो सकते हैं, यहाँ पे सर्किट हाउस है गवर्नमेंट का, तो यहाँ सोने के लिए भी जगह अवेलेबल है, तो चिंता नहीं करना है। देखिए जगह काफ़ी सुंदर है, ये देखिए लॉज काफ़ी बड़ा है, और ये हवाई जो आंध्र डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हम भी बहुत साल हो गए यहाँ पे आया नहीं है, तो आज मौका मिला है तो आया है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो है यहाँ का नेटवर्क, जो अभी सिर्फ बेसिक नेटवर्क है अभी तक, और इसका वजह से पब्लिक को काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज यहाँ पब्लिक को नहीं मिल पा रहे हैं प्रॉपरली, और बेसिक नेटवर्क तो यहाँ पर चलता नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है पब्लिक लीडर से और एडमिनिस्ट्रेटिव से, ये चीज़ में थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहीं तक मेरा रिक्वेस्ट है। ये जो मेरा पीछे मेमोरियल देख रहा है ना, ये लेट कलिखो पुल जी का है, जो कि हमारा सीएम रहा था, अभी हमारे बीच में नहीं रहा है वो। तो ये कलिखो पुल जी हवाई से बिलोंग करता है, इसी जगह का। देखिए अभी अंदर मैं नहीं जा सकता हूँ, ताला बंद है, तो मैं वहाँ से जा सकता हूँ।
इसका इनोग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक बंद है। जब इनोग्रेशन होगा तब ये खुलेगा। तो फिलहाल तो अभी बंद है, तो बाहर का व्यू दिखा सकता हूँ आपको। तो काफ़ी सुंदर है बाहर का डिज़ाइन। तो हवा एक बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं सभी को। और यहाँ के जो लोग है वो मिजोबिस में है, एक ही ट्राइब रहता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, फिर भी मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे प्यार से। आज तो बहुत ही गर्म है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पे हमेशा ठंडा रहता है हवाई में, इसलिए ये हवाई पे मौसम हमेशा चेंज रहता है। फटाक से बारिश आता है और फटाक से धूप आता है, तो ठंडा दिन में यहाँ पे पानी पीने पे मुश्किल होता है, नहाने के लिए तो सोचना पड़ता है, बहुत ही ठंडा रहता है यहाँ पे। इसलिए ये सब चीज़ हवाई को बहुत ही स्पेशल बनाता है, इसलिए लोग यहाँ आने के लिए बहुत ही तरसते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, वो रास्ता भी इतना ठीक नहीं है, गड़गड़ा है। और अभी हम पहुँचे हैं ये अर्बन एरिया का मार्केट, ये सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ। कुछ दुकान खुले हैं और कुछ दुकान क्लोज है अभी, और ये डबल स्टोरी है, ऊपर रेंट है, नीचे मार्केट है। तो जितने भी यहाँ अर्बन का जो रहने वाले हैं सब यहाँ पे शॉपिंग करने आता है। तो और हवाई में कई धान और इलायची की भी कल्टीवेशन किया जाता है यहाँ पे, लेकिन अभी इलायची थोड़ा नहीं हो रहा है, अभी मर रहा है शायद। तो ये अभी जो सामने दिख रहा है ना, ये रेड कलर का, ये हवाई का पुलिस स्टेशन है। और जितने भी सामने बगल में वो लोग क्वार्टर है, ये देखिए काफ़ी सुंदर है। ये देखिए ये हवाई का माउंटेन व्यू देखिए। और ये कम्युनिटी हो रहा है हवाई का, यहाँ पे मतलब जितना मीटिंग वगैरह इधर ही होता है। और चलो अभी हम लोग मेन हवाई की ओर बढ़ते हैं। फिर अभी जो हम है वो अर्बन एरिया है, अभी ये यहाँ से गेट के उस पर से मेन हवाई है आगे, ये अर्बन का गेट। सो फ्रेंड्स, अभी हम हवाई मार्केट पहुँचने वाला है, यहाँ से शुरू है ये यहाँ से। और ये हवाई मार्केट जो काफ़ी छोटा सा मार्केट है, लेकिन यहाँ पे हर तरह का सामान मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे। और हवाई के जितने भी वाशरूम हैं सब इधर ही मार्केटिंग करने आता है। ये देखिए बहुत छोटा सा मार्केट है। और ये होटल लाइन है ये पूरा, यहाँ पे मोमो थुप्पा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा। और ये देखिए ये मार्केट ये ऊपर ही बन रहा है, ये देखिए काफ़ी छोटा सा मार्केट है। नमस्ते अंकल, अंकल आप यहाँ पे कितना साल से बिजनेस कर रहे हैं? हमको हो गया यहाँ हमें करीबन 15 साल। 15 साल हो गया, अच्छा अच्छा। तो कैसा लगा यहाँ पे, क्या मतलब मौसम कैसा है यहाँ के लोग? यहाँ का मौसम अच्छा है। अच्छा है, यहाँ का मौसम अच्छा है। और यहाँ का लोग कैसा है? यहाँ का आदमी भी अच्छा है। अच्छा है, अच्छा आदमी ओके। तो आप यहाँ पे काफी देर से बिजनेस कर रहे हैं ना? आप कहाँ का हैं? हम राजस्थान का। राजस्थान से है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो देखा फ्रेंड्स, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ बिजनेस के सिलसिले पे आते हैं, और उनको यहाँ का नेचर, यहाँ का मौसम, यहाँ का लोग अच्छा लगता है, तो यहाँ पे बैठ जाते हैं वो लोग। आप जब यहाँ आते हो तो यहाँ पे भी रूम मिलेगा आपको, हवाई का टॉप में है ये। जब भी हवाई आएगा ये हेलीपैड ग्राउंड मिलेगा, फिर उसके ऊपर में ये घर मिलेगा, तो इसमें आप यहाँ में सो सकते हैं। ये हवाई का काफ़ी पुराना आईवी है, लेकिन यहाँ पे जो मेंटेनेंस अभी भी बहुत ही बढ़िया से किया जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पे आराम से एक दो रात रह सकता है। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये हायर सेकेंडरी है हवाई का, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी बड़ा से बनाया गया है।
वहाँ भी जाके दिखाऊंगा आपका अभी मैं। और ये देखिए ये हेलीपैड और ये पहाड़ ही पहाड़ है, ऊपर नीचे सब पहाड़ है, बहुत ही बढ़िया है। और पहाड़ का नीचे हवाई है एक छोटा सा सर्कल, और अभी जो हेडक्वार्टर है ये अंजाव का। तो चलिए फिर यहाँ से भी निकलते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। और अभी हम हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर बढ़ते हैं, सामने जाके देख के आते हैं। और ये मेडिकल का साइन बोर्ड है ये देखिए, और यहाँ पे मेडिकल है आगे लेफ्ट साइड तरफ। चलिए, और मेरा लाइफ में पहले बार देख रहा हूँ यह इतना बड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल, काफ़ी सुंदर है। ये सब जो हमारा लेट कालिखो पुल जी जो CM रहा है हमारा, वो उन्होंने बहुत ही मतलब एजुकेशन फील्ड को यहाँ पे डेवलप करने के लिए कोशिश किया है देखिए इसलिए। और जो उनका एक सपना भी था, एक यहाँ पे हवाई में एक और एक है कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे भी बिल्डिंग्स तो बन गया है लेकिन वहाँ अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो आई होप कि वहाँ भी बहुत जल्द शुरू हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर का व्यू भी देख के आते हैं, बाहर का तो हम देख चुके हैं, काफ़ी सुंदर है। और चलिए, वाओ, मेरा बस चले तो यहीं पे मैं एडमिशन ले लेना था, बट मेरा टाइम जा चुका है। लेकिन जब मैं शादी करूँगा, मेरा बेटा होगा, तो पक्का मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा अपना बेटी बेटा को, काफ़ी सुंदर स्कूल पे। ये देखिए यहाँ पे बीच में ग्राउंड है काफ़ी सुंदर से, यहाँ क्लास 1 से लेके 12 तक है शायद। और ये है स्टाफ रूम, और ये है एग्ज़ाम सेल। चलो इतना तक आ चुके हैं, तो ऊपर का व्यू भी देख के आते हैं। देखिए ये कॉलेज का जैसा है, देखिए हमारा कॉलेज में भी ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पे ऐसा है। हायर सेकेंडरी को इतना सुंदर से बनाया गया है, और आई होप कि ये यहाँ का पढ़ाई भी एजुकेशन क्वालिटी भी यहाँ पे होना चाहिए, आई होप कि ये बिल्डिंग की तरह। तो वहीं होप करते हैं हम, तो फिर वापस चलते हैं, अभी तो बंद है कोरोना की वजह से। तो बहुत ही सुंदर से बनाया गया है, अच्छा लगा यहाँ आके। तो हवाई घूम के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों को कैसे लगा है थोड़ा बताइए कमेंट में। तो मैं फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अभी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकता है और फेसबुक में भी फॉलो कर सकता है। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का आईडी मेरा विराम सुक्री है। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से बैठिए। जय हिंद।